टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका, अपसेट से शुरुआत हुई, हमें अपसेट्स देखने को मिले। श्रीलंका दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, हाउ डू यू सी दैट? यार मैं थोड़ा सा इस चीज से वो हूँ, थोड़ा सा सवेरा के मतलब मुझे नहीं समझ में आता है यार ये क्वालिफिकेशन सिस्टम रखने का जो मकसद होता है। देखिए आपके जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, लाइक श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज मस्ट बी इन द फाइनल राउंड ऑफ वर्ल्ड कप फॉर द सिंपल रीजन के यार दे आर सेलेबल टीम्स। और आपके वर्ल्ड कप में अगर आप वर्ल्ड कप कराने जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास 10 टीमें तो ऐसी हो जो कि कॉम्पिटिटिव टीम्स हो और आपस में खेले तो मजा आए मैच देखने का। अब ये जो क्वालिफिकेशन राउंड आप रखते हैं दिस इज अ गैम्बल ऑल द टाइम, इट्स अ गैम्बल। आई मीन नमीबिया ने ठीक है श्रीलंका को हरा दिया, बट कैन यू से कि नहीं कि श्रीलंका बुरी टीम है, नमीबिया ज्यादा अच्छी टीम है? ऐसा हो नहीं सकता ना, श्रीलंका इज अ क्लास टीम। अब आज नमीबिया हार गया, बुरी तरह से हार गया नमीबिया, कैसे बोलते हैं, नेदरलैंड से। तो यू नो ये जो एकदम से शॉक रिजल्ट्स होते हैं, अपसेट रिजल्ट्स होते हैं, अब आई डोंट नो यार आईसीसी को देखना पड़ेगा इसके ऊपर, इसलिए क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज श्रीलंका बाहर होते हैं मतलब फाइनल सुपर 12 से तो यू नो इट विल मतलब रिड्यूस द वर्ल्ड कप सुपर 12 टू लेस कॉम्पिटिटिव मैचेस। सीधी सी बात है क्योंकि सुपर 12 में यार अगर नमीबिया आता है या नेदरलैंड्स आता है या यूएई आता है फॉर दैट मैटर, आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो क्या मतलब, हमने देखा ना लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप में क्या हुआ जब ये आए मतलब सुपर 12 में, तो जब ये बड़ी टीमों से खेले तो वो फिर बड़ी टीमों के तो मजे आ गए थे, मतलब वन साइडेड मैचेस हुए। तो आई डोंट अग्री विद दिस क्वालिफिकेशन सिस्टम, एनी टीम कैन हैव अ बैड डे, यू नो एनी टीम कैन हैव वन बैड डे, एंड श्रीलंका हैड अ बैड डे अगेंस्ट नमीबिया, बट दे शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर दैट इन द सेंस के अब वो बेचारे फंसे हुए हैं। आज यूएई को तो उन्होंने जैसे मारना था मार दिया, बड़े आराम से मारा, लेकिन अब उनका सारा डिपेंडेंट है नेदरलैंड्स से, उनका मैच है अब, उस दिन फोरकास्ट है कि बारिश होगी। अगर बारिश हो गई तो आई मीन इट वुड बी सो अनफेयर के मतलब एशियन चैंपियंस और इतनी अच्छी टीम वो बाहर बैठी हुई होगी और उसकी जगह कोई और मतलब खड्डा टीम खेल रही होगी, तो कोई सेंस नहीं बनता। आई थिंक आईसीसी नीड्स टू लुक एट द क्वालिफिकेशन प्रोसेस। I mean teams like Sri Lanka and West Indies should not be playing qualification matches. Yeah, that is so true. I think ये वो सोच है जो इस वक्त काफी ज़्यादा परवान चढ़ रही है, and people have actually questioning this entire qualification round.